करिए आए। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगेन, क्योंकि आज मुझे मेरे एयरपॉड्स लेके आने हैं। एंड मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, क्योंकि खुशी के मारे जब कोई गैजेट लेना होता है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है। मैं गैजेट से बहुत प्यार करता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी गाइस। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कल एक ब्रांड को शूट देना है जो मैंने सोचा था कल करूँगा, बट अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये बंदा हमारे शूट नहीं करता। ये बंदा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, इसलिए हमारे शूट नहीं करता। तो इसलिए मुझे अब अमृतसर जाने पड़ रहा है शूट करने के लिए। आई एम जस्ट किडिंग, ही वॉज बिजी यस्टरडे एंड आई वॉज ऑल्सो बिजी। अभी तो फिलहाल मैं पहले एयरपॉड्स लूँगा, और आपको ये जान के बड़ी हैरानी हो सकती है और खुशी भी हो सकती है। जिन्होंने लेने हैं उनके लिए खुशी है, जिन्होंने ले लिए उनके लिए हैरानी है। इतने चीपेस्ट रेट पर मैं एयरपॉड्स ले रहा हूँ विद बिल, आपको बिलीव नहीं होगा। मैं पहले ले आऊँ फिर आपको रेट भी बता दूँगा। एंड मुझे खुद नहीं बिलीव हुआ था जब वो भाजी ने मुझे कहा था कि राजे मैं तेनू इन एच दे दाँगा। आपको अब मैं बता दूं कि हमारे बटाला में एक बहुत फेमस मोबाइल शॉप है, वो है गोयल लाइट एम्पोरियम। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका आपको एड्रेस भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, सब है उनके पास। मैं जब से आई गेस सेवन्थ में था, सिक्स सेवन्थ से, तब से मैं उनसे ही फ़ोन लेता हूँ। तो ये जो मेरा आईफोन 11 प्रो मैक्स है, लाइट चल रही है सॉरी, ये भी मैंने उनसे ही लिया था। तो वो मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस पे और बहुत अच्छे प्राइस पे देते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है उनके साथ, ही इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कितने रेट में मुझे मिले हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप भी जाना वहाँ पर, ज़रूर बाय करना। आपको मेरा नाम लेना है, मेरा नाम ले लेना, व्लॉग देख के ये बता देना, कोई चक्कर नहीं है, पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी, तुम मेरी गड्डी इन्नी कवर देख रहे हो ना, ये पिछले एक रीज़न है कि मैं गड्डी की सर्विस करा ली है। तो गड्डी बहुत ज़्यादा चमक गई सी, इस करके मैं कवर कुवर पा के चंगी तरह रखी थी। अर्श, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रो। पिछले होगी कहीं फिर सीट मैं कोई नहीं ला दे मेरा दिल बहुत चिगा कि जो मैं गड्डी सर्विस करावा वह भी ब्लॉग बनावा, बट उस दिन इस करके नहीं ब्लॉग बनाया क्योंकि ऑल ऑफ द सडन प्लान बनया सर्विस कराने का। मैं बैंक सीगा, दैन आई वॉज लाइक के चलो सर्विस करा लेना आगे जी क्योंकि आने वाले दिनों आप लंबे टूर पर जाना है, तो लंबे टूर पर जाने तो पहले सर्विस हुई होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी है गड्डी की। गड्डिया जंदरों हैं पूरी लिशकन दी हैं, मतलब पॉलिश पुलिश बजी दी है, मज़ा आएगा अज गड्डी चलाउन दा। मैनू साफ गड्डी चलाउन दा ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि वो इदा लगता है कि नवी नवी है, सो फील होंगी है। हुण मैं रस्ते चो एयरपोर्ट पिक करके फिर अमृतसर जाऊँगा सीधा। पहला मैं सोचा सीगा कि पहला एयरपोर्ट लैवा, घर आवं, तैयार होवं, फिर जावा, दैन आई वॉज लाइक इन्ना लंबा काम नहीं पाउणा, आपां सीधा उधरों लैके अमृतसर निकल जाएंगे। सो जितने सस्ते हमें एयरपोर्ट्स पड़ गए ना, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड आपको इतना हिंट दे देता हूं कि जितने के मुझे एयरपोर्ट्स पड़े हैं आप सोच भी नहीं सकते। इनकी एक्चुअल प्राइस 25,000 है, ठीक है, और आपको मैं उनका मोबाइल नंबर, उनकी शॉप का एड्रेस नीचे लिख के दे रहा हूं। आपको बहुत कम रेट में मिलेंगे मार्केट के कंपेयर, मुझे 22 के आसपास बोला था उन्होंने, तो जो डिस्काउंट है सब कुछ लगा के काफ़ी सस्ते मिले हैं। मैं अब प्राइस अपनी तो रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी एक पर्सनल प्राइस है पाजी के साथ, पर आप जाना, आप मेरा व्लॉग बता देना कि मैंने व्लॉग राजन लूथरा का देख के आए हैं, तो आपको मिल जाएंगे। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आपके बस इतने लगेंगे, तो जाके देख लेना, शॉप का एड्रेस दे रहा हूँ। अभी ये है मेरे एयरपोर्ट्स, कहाँ गए आ रहे अपने एयरपोर्ट्स प्रो। बिल कितने, मैं बिल भी दिखाता थोड़ा, ये ना सोचो कि राजन उसका झूठ बोलता है। सो दिस इज़ द बिल, मैं बिल शो नहीं करना क्योंकि बिल तो बहुत ज़्यादा है। तो उस तो बाद मैं भाजी को एक केस लैके आया नाल, सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी होंगी है जो आप कोई चीज़ सोची हो, चीज़ अचीव करी, वो चीज़ मिल जाए, तो जे खास करके मेरे लिए वो चीज़ गैजेट हो तो मैं बहुत खुशी होंगी है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी गाइज, बहुत सोना। एयरपोर्ट की अनबॉक्सिंग वगैरह मैं आपको थोड़े टाइम में करके बताऊंगा, अभी मुझे अमृतसर जाना है जल्दी, तो लेट ना हो जाऊँ, वहाँ जाके अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि मुझे एयरपोर्ट्स अपने लेमिनेट भी कराने हैं, वो भी बताऊंगा आप कहाँ से लेमिनेट करा सकते हो ताकि वो बाहर वाला जो वाइट वाइट पार्ट है वो खराब ना हो, जो बाहर शाइन होती है ना एयरपोर्ट्स के वो खराब ना हो। तो बने रहो मेरे साथ, अब मैं अमृतसर जाके बमरे को भी फ़ोन कर लूँ, वो भी बिजी है आज क्योंकि उसने हेडबाथ लिया, तो मैं उसको फ़ोन कर दूँगी वीरे मैं निकल गया हूँ अमृतसर जाके, थोनू में पूरी अनबॉक्सिंग अच्छी तरह जिदा एक देसी यूट्यूबर करदा मेरे कराना मैं। सो अमृतसर ही पहुंच गए हैं, बमरा हड़े को आ गया। बमरे भाजी सत श्री अकाल बाबा, पहला बाबा मुबारक भाई ने बाबा मोटा खर्चा करता जे पर बहुत सस्ते मिले हैं, अगेन आई एम सेइंग बहुत ज़्यादा चीप,
ਤੇ ਐ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਰੋ, ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਬਸ, ਕਰੀਏ ਆਏ। ਹਾਂ ਐ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਹੋ ਓਹੋ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਡਸ ਪ੍ਰੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਾਇਰ, USB-C ਟੂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਪੋਰਟ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਨੇ ਏਅਰਬਡਸ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਏਅਰਬਡਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਿਲੇ ਨੇ, 2 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਬਸ ਜੀ। ਇਹ ਖੋਲ ਦੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਆਏ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਆਂਡਾ ਉਗਰਾ ਇਹ ਔਰ ਏਅਰਪੋਡਸ ਪ੍ਰੋ ਗਾਈਸ, ਹੇ ਯੂ ਗੋ ਮੈਨ। ਆਏ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬੰਬਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨੋਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਬਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਡੱਬਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਂਜਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਬੰਬਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਬੰਬਰੇ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ? ਹੈ ਅਪੋਲੋ? ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਅਪੋਲੋ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਝੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਬਰੇ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਣਾ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋ ਦੀ, 11 ਪ੍ਰੋ ਦੀ, ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਅਤੇ ਆਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈਮੀਨੇਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਪਲ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ,
पता नहीं लगता कि लैमिनेशन कराई है, गार्ड का पता नहीं लगता भी लग रहा। तो आ एयरपोर्ट ने मेरे बहुत ज़्यादा सफाई च वीरा काम करता। भाजी अपनी दुकान दस्यो कितने हैगी है? लिबर्टी मार्केट ओके लिविंग रोड शॉप नंबर 12 महाजन टेलीकॉम। वीर का नाम हर्षदीप लै लियो कि राजन का ब्लॉग वेख के आए। बहुत सोहना काम करता वीरा, तो जेन्युइन रेट ने, पर जो रेट की गलबात आती है वीरे के हाथ की सफाई का मुल्ला बहुत सोहना काम करता। मैं वैसे कभी इदा की चीज़ अपने ब्लॉग से तुम्हें पता कवर करता नहीं, बट ये जेन्युइनली वर्थ सी ये चीज़ की। बहुत सोहना काम, मैंने एयरपोर्ट्स से आईफोन की लैमिनेशन करा के मज़ा आ गया। क्या बात है, सफाई देख रहे हो, थले कट लगन का पता नहीं लग रहा, साइड्स तक लैमिनेट हो गया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई, आई एम वेरी हैप्पी गाइज के मेरे एयरपोर्ट्स भी हैं प्रोटेक्टेड हो गए हैं। तो फोन भी मैं गैजेट्स में जिन्ना प्यार करता और तो ज़्यादा मैं उन्होंने सामभ का ध्यान रखता। यह बंदा लिटरली दिलों खुश होया मैं, क्योंकि जिदा की यदि लैमीनेशन स्किल है ना बाह कमाल ने। बमरे थैंक यू, कोई इदा के परसन ने मैंने मिलाया, आई एम वेरी हैप्पी। हूँ आप थोड़ा शूट कर लीए, खा पी लीए, तो फिर अगे कंटिन्यू करते हैं। सो हूँ आप पावे यदा केस, क्योंकि हूँ लैमीनेट हो गया, हूँ उन्होंने डर नहीं कि स्क्रैच पैन या कुछ होएगा। ਭਾਜੀ ਗੁੱਡ ਗਾਈਜ਼, ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੈਦਰ ਕਵਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਵਰ, ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦੀਏ, ਆਪਣਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤਜੋਰੀ 'ਚ। शूट करने के बाद मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था, मैं शूट में पहले ही लेट हो गया था, शूट इतना अच्छा नहीं हुआ। बट मुझे काम चलाओ फोटोज़ मिल गई हैं, जिस ब्रांड के लिए शूट करना था वो आज फिर नहीं कर पाया क्योंकि जैसा शॉट चाहिए था वहाँ मिला नहीं। अब कल बटाला में ही करूँगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, जो एयरपोर्ट लेके आया हूँ उनको इस खजाने को, मतलब ये जो ये अपने को डब्बा तो चाहिए नहीं, एयरपोर्ट तो अपने पास है, इसको और इसका जो बिल है, इन दोनों चीज़ों को मैं अपने लॉकर में रखने लगा हूँ। आपको पता है ये मेरा लॉकर है, मेरा जितना भी खजाना है वो सारा इसके अंदर है। लेट मी शो यू वन थिंग ऑल्सो, ये मेरे पास मेरे एयरपॉड्स जो पहले वाले थे, जो मैंने 3 साल पहले लिए थे, उनका बॉक्स पड़ा हुआ है। और अभी तक आप देख लो मैंने इस बॉक्स को भी संभाल के रखा है, इसके अंदर भी ये पेपर वर्क इसका पड़ा हुआ है, और सब कुछ ऐसे ही मैं संभाल के रखता हूँ। मुझे चीज़ों का संभालने का अलग ही मज़ा आता है। और अब मैं इसको इस खजाने में रखने लगा हूँ इसके अंदर, तो किसी को बताना नहीं है कि मैं अपना खजाना इसके अंदर रखता हूँ, ठीक है। इस राज को राज रखना है, इस राज को ज़्यादा आगे मत लेके जाना, नहीं तो यहाँ से चोरी होगी ना। इसके अंदर बहुत सारा खजाना है, ओके। तो अब मैं इसको रख लूँ सेटअप में, थोड़ी देर बाद अपने एयरपोर्ट्स करूँगा क्योंकि पगड़ी पहनी हुई अच्छे से पता नहीं लगेगा। अपने पैसों से चीज़ लेने का मज़ा ही अलग है। ममा एयरपोर्ट्स ये वो चौड़े है, हाँ ये प्रभु है चौड़े। सो विद दिस व्लॉग खत्म करता हूँ, तो आई लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर ये व्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो नए व्लॉग की वेट करो। आई लव यू ऑल गाइज, आजते बसते रहो, और आप सारे चढ़ती क्लास रखे थे खड़का के। गुड आ गया ना साउंड, गुड आ गया, हाँ।